नमस्कार दोस्तों, आज जो प्लांट के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो है एरिका पाम। एरिका पाम आप सब लोगों के घर में ही रहते हैं। आप देखिए, कोई रेस्टोरेंट में जाइए, कोई ऑफिस में जाइए, एरिका पाम मिलेगा ही मिलेगा। इतना प्यारा प्लांट है, सब कोई पसंद करते हैं ये एरिका पाम। ये देखिए, ये कितना बड़ा है, छोटा से छोटा ले सकते हैं, बड़ा ले सकता है, जिधर जो भी आपका मर्जी, जहाँ जैसे भी आपका घर है, जिधर भी चाहे रहा है। और मैंने ये इंडोर प्लांट है, इंडोर में बहुत अच्छे ग्रो करते हैं आप। लेकिन इसको थोड़ा सनलाइट भी चाहिए, सनलाइट में लाइट चाहिए, सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में ये इसका जो पत्ता है, ये पत्ता खराब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, पत्ता के टिप खराब हो जाता है, पत्ता सूख जाता है। तो इसको कि आपको जो घर है, घर में इंडोर में कोई कॉर्नर में, सबसे अच्छा जगह है कॉर्नर में, बहुत सारे कॉर्नर में आपको ये मिल जाएगा। ये एरिका पाम जो है, एरिका पाम सबसे खूब हार्डी, बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है। ये इजीली ग्रो होता है, बहुत बड़ा भी होता है। आप छोटा नहीं रख सकते, छोटा करके नहीं रख सकते। छोटा करने के लिए कुछ टेक्निक होता है, वो आपको बता दूंगा बाद में, कोई और एक वीडियो में। तो ये हम ले आया कुछ महीने पहले, देखिए ये मेरा नर्सरी से ले आया, तो इधर पड़ा था, तो छोटा लाया था। लेकिन ये बड़ा होते 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 इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि देखिए कितना बड़ा हो गया, इधर से इधर देखिए बहुत बड़ा हो गया, अराउंड ये 5 फीट हो गया, इतना बड़ा हो गया। तो आज मैं सोच रहा हूँ इसको पॉट का पॉट चेंज कर दूँ। देखिए ये पॉट एकदम बाउंड हो गया, रूट बाउंड हो गया। देखिए नीचे से कितना ये रूट निकल आया, देखिए कितना रूट निकल आया इसके नीचे से। तो इसको एक थोड़ा बड़ा पॉट में ट्रांसफर कर दूंगा, करके एक कॉर्नर में रख दूंगा। तो इसको क्या करना है, पॉट ये लाइट, बहुत ज्यादा लाइट नहीं पसंद करते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में कभी नहीं रखना। और पार्शियल जो शेड है, जो जिधर डायरेक्ट सनलाइट में लगता है, इधर रख सकते हैं आउटडोर में। और इंडोर में थोड़ा लाइट जो इधर आता है, जहाँ आपका जो विंडो है, विंडो के पास या दरवाजे के पास, आपका जो ट्यूब लाइट है, ट्यूब लाइट का जो अल्ट्रा वायलेट रेज निकलते हैं, उधर से भी ये अपना काम चला लेते हैं। तो ट्यूबलाइट जिधर है उसके नीचे भी रख सकते हैं। और एक बात है, ये ज्यादा पानी नहीं पसंद करते, ज्यादा पानी देंगे तो ये मर जाएगा, सूख जाएगा। इसका जो पत्ता है ना, पत्ता का टिप जो है वो खराब हो जाएगा। पानी जैसे देना है, कोई भी प्लांट, एक प्लांट को आपका बच्चा जो है, बच्चा के लाइक ट्रीट कीजिए। उधर उसको आप ज्यादा पानी देंगे, पानी में बैठे के रहेंगे तो खराब हो जाएगा, उसका तबीयत खराब हो जाएगा। उसको पानी नहीं देंगे तो भी उसका तबीयत खराब हो जाएगा। थोड़ा देख के देना है, क्योंकि ज्यादा पानी नहीं, कम पानी भी नहीं। इसका जो सॉयल है, सॉयल आपको हाथ दे के अब मॉइस्ट लगे तो मत देना। अब देखेंगे थोड़ा सूख गया, ज्यादा सूख गया तब दे दीजिए, वीकली एक बार चेक कीजिए, तभी हो जाएगा। और इसके जो सॉइल मैं आज बताऊंगा इंडोर में करने के लिए, ये सॉइल में आप 15 डेज में एक बार पानी देंगे तभी चलेगा। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये एक 8 इंच पॉट ले लिया, 8 इंच पॉट मैंने ले लिया। इसके नीचे बहुत सारे छेद हैं, देखिए बहुत सारे छेद हैं, आप देख सकते हैं नीचे बहुत सारे छेद हैं, तो इसके पानी नहीं रुकेगा। ले लिया पॉट, इसके बाद क्या करना है, इसके नीचे ये जो पॉट है इसमें डायरेक्ट मिट्टी दे दूंगा, तो क्या होगा, इसके नीचे से मिट्टी निकल जाएगा, पानी भी निकलेगा, मिट्टी भी निकल जाएगा। तो क्या करना है, ऐसे थर्मोकोल आपके घर में पड़ा रहता है इधर उधर, आप फेंक देते हैं, रहे आप कचरे में फेंक देते हैं, क्योंकि ये कोई काम में नहीं लगता। ऐसे थर्मोकोल ले लीजिए, थर्मोकोल का छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिए, ऐसे तोड़ लीजिए, इसके नीचे दे दीजिए, एक लेयर बना दीजिए इसका। 2 पार्ट सॉइल ले लिया, नॉर्मल गार्डन सॉइल 2 पार्ट ले लिया। अब 2 पार्ट
इसमें से सैंड ले लूंगा, जो गार्डन और जो कंस्ट्रक्शन सैंड है और टू पार्ट ले लूंगा। टू पार्ट ले लिया, अब इसके साथ क्या करूंगा, वन पार्ट पार लाइट ले लूंगा। ये पार लाइट आपको दिखा है तो वन पार्ट पार लाइट ले लूंगा। ये मैंने मिक्स कर लिया अराउंड, मिक्स कर लेता हूँ अच्छे से, और इसमें जो मिट्टी का लंप है वो हाथों से थोड़ा ऐसे छोटा कर दूंगा, ऐसे कर दिया, मिक्स कर दिया। अब इसके साथ और एक चीज मिलाना है, ये तो मिट्टी से पानी निकल देगा, जो पार्लाइट है वो कुछ पकड़ के रखेगा, बाकी पानी निकल देगा, जो बालू है रेत है सैंड क्या करेगा ये भी पानी निकल देगा, जो पकड़ के रखेगा ऐसे वो है कोकोपीट। देखेंगे इसके साथ मैं क्या करूंगा, दो पार्ट कोकोपीट मिला लूंगा, एक और एक, दो पार्ट कोकोपीट मिला लूंगा। इसमें क्या होगा, एक पानी पकड़ के रखेगा कोकोपीट, इसके पानी सप्लाई करते जाएगा, रूट्स को पानी देते जाएगा, ज्यादा पानी होगा तो निकल देगा, पार्लाइट क्या करेगा वो पानी अपने आप रखेगा, पकड़ करके रखेगा, ज्यादा पानी होगा तो निकल देगा। वर्मीकुलाइट भी एक ही काम करेगा, पानी ज्यादा होगा तो निकल देगा, तो सभी पानी पकड़ के रखेगा, छोड़ेगा कौन, बालू है ना, तो जो सैंड है सैंड क्या करेगा एकदम पानी निकल देगा, जितना पानी ज्यादा होगा वो निकल देगा, जो रखना है रखेगा, ये सब ऐसा ऐसा पानी के सप्लाई देते रहेगा। देखिए ये एकदम पूरा मिट्टी हो गया, एकदम पानी नहीं रुकेगा, देख हो गया। अब क्या करेंगे, इधर रखते हैं, पॉट ले लेंगे, पॉट के नीचे हम थोड़ा ऐसे मिट्टी दे देंगे, ऐसे दे देंगे, दे दिया ऐसे आप क्या करेंगे, इसको काटना है, एक प्लास्टिक काट लेंगे, ऐसे इधर से काट लिया, क्या बात है, ये है इसका जो रूट बॉल है ये एकदम पकड़ के रहा, रूट बॉल हो गया, टोटली रूट बॉल हो गया। अब क्या करेंगे, इसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा मिट्टी इसका लूज कर देंगे, निकल देंगे कुछ मिट्टी इधर से निकल देंगे, ठीक है, इधर से निकल देंगे, क्योंकि मिट्टी बहुत टाइट हो गया, सब निकल नहीं पाएंगे, इसका ऊपर का थोड़ा सा मिट्टी निकल देंगे, हो गया। और इसके अंदर डाल देंगे, इसके जो रूट्स है इधर के साइड के रूट्स है ये नीचे डाल दूंगा, इधर से भी कुछ रूट जो है ये साइड में इधर ऐसे दे दूंगा। और ये जो प्लांट है इसको मिडल में रखना है और एकदम सीधा, ये थोड़ा इधर उधर हिल गया तो सीधा कर देना, सीधा ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, देखिए एकदम सीधा हो गया, एकदम स्ट्रेट वर्टिकल खड़ा है,
मिडल में है और वर्टिकली खड़ा है, इसलिए देखने से अच्छा लगता है। अब इसके अंदर ये जो सॉइल बना है इसको डाल दूंगा, छोड़ दूंगा तो हिल जाएगा। पहले कुछ मिट्टी डाल दूं, आजू बाजू में दे दूंगा। इसके सबसे अच्छा बात है ये एरिका का, ये बहुत अच्छा लगता है घर में, बहुत अच्छा लगता है। एयर प्यूरीफाई करते हैं, एयर प्यूरीफाई तो करते ही है, उसके साथ क्या है ये घर का शोभा बढ़ता है, बहुत अच्छा लगता है। आपका घर का जो कॉर्नर है, कॉर्नर में रखेंगे, जिधर भी रखेंगे, विंडो के पास रखिए, कॉर्नर में रखिए, वो बहुत अच्छा लगता है। देखिए इसके ऊपर का जो मिट्टी है ना, ये थोड़ा छोड़ देंगे, क्योंकि पानी ज्यादा देंगे तो ये निकल जाएगा, तो थोड़ा इसको छोड़ दीजिए। तो उसमें से क्या होगा, इसके अंदर जो एयर पॉकेट्स है वो एयर पॉकेट निकल जाएगा, ठीक है, और ये सेट हो जाएगा। ये जो मिट्टी है सेट हो जाएगा, हो गया काम, हो गया मैं सेट हो गया। देखिए अब ये इधर उधर हिलेगा नहीं, अब क्या करना है। देखिए ये जो सूखा पत्ता है, सूखा पत्ता निकल देना है, सूखा पत्ता ऐसे जस्ट काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए और कुछ नहीं, टोटल निकलना नहीं चाहिए और काट दीजिए। इधर देखिए कुछ पत्ता ऐसे सूख गया, इसको क्या करना है, इधर से काटिए, ये सूखा पत्ता मत काटिए, इधर से काट दीजिए। देखिए इधर से मैं काटी, फेंक दीजिए, इधर एक एरिका का एक बात है, ये वीकली एक बार आप बाहर रखिए, वीकली एक बार वन डे बाहर रखिए, संडे हो जो भी दे हो आप घर में रहते हैं उधर, उस दिन क्या करना, इसको अच्छा से पानी दे देना, अच्छा से इसके ऊपर पानी दे देना, पानी देके इसको बाहर रख देना, बाहर सनलाइट में रख देना एक दिन या कुछ घंटा, ऐसे 7-8 घंटे ऐसे रख दीजिए, फिर से अंदर एक हफ्ते के लिए रख दीजिए, एक हफ्ता दो हफ्ता भी रख सकते हैं, कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा बढ़ेगा। इसके बारे में और ज्यादा कुछ बात नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट है, जो नया शुरू करना चाहता है प्लांट तो ये शुरू कर सकते हैं। देखिए ये हमारा पूरा हो गया, दिखाता हूँ पूरा, देखिए ये जो प्लांट है कितना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। ये छोटा वाला ऐसे ऐसे छोटा लाया था, एकदम छोटा सा, ऐसे छोटा सा लाया था, तो आप इतना बड़ा हो गया, तो घर का कोने में बहुत अच्छा लगेगा। चलिए रखते हैं, बहुत भारी एक हाथ में उठाना नहीं आता। ये आ जाओ जी, आ जाओ, चलिए इधर आते हैं, इधर आते, आ जाओ बेटा, ये हमारा प्लांट ट्रांसप्लांट हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें पानी दे देंगे,
पानी देने के लिए दिखाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अब पानी जितना हो सके दे दीजिए, वो नीचे से निकल जाएगा, ठीक है ना। कैसे लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। ये चैनल में और जो वीडियो आने वाला है वो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के साथ बेल बटन क्लिक कीजिए, और जो भी कमेंट करना है करिए। थैंक यू वेरी मच।